नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहली खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जानना क्यों जरूरी है आपको बता देती हूं। क्या आपके बच्चे इसलिए आप स्कूल भेजते हैं? आप तस्वीरों को देखने के बाद समझ जाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही थी। क्या आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जहां आपके बच्चे से टॉयलेट साफ करवाया जाता हो? लेकिन सीधी से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है और ये कोई पहली बार नहीं है जहां मध्य प्रदेश के स्कूलों से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां छात्रों से स्कूल का टॉयलेट साफ करवाया जा रहा था। देखिए किस तरीके से टॉयलेट यहाँ पर साफ छात्रों से करवाया जा रहा है। तस्वीरें सीधी जिले के मझौली क्षेत्र प्राथमिक पाठशाला की बताई जा रही है। तिवारी स्कूल की तस्वीरें है यहाँ और जहाँ बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जा रहा है का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तिवारी स्कूल के बच्चे जो हैं पढ़ने की जगह टॉयलेट साफ कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि बच्चों के भविष्य के लिए नए नए नियम खोले जा रहे हैं, वहीं तिवारी स्कूल में बच्चों से टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। ये कैसा दृश्य है, किस तरीके से बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तस्वीरें बता रही हैं। पेरेंट्स का क्या सोचते होंगे कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है आप तस्वीरों में देख लीजिए। उधर वीडियो वायरल हुआ तो जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। ये मेरे संज्ञान में बात कल शाम को आई है और आज मैंने BRCC को वहाँ भेजा था, उसका प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कहा है। और संबंधित शिक्षक जिसने छात्रों को इस तरह की कार्य करने के लिए उत्प्रेरित किया है उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हम तत्काल करने के लिए निश्चित है। तो तस्वीरें देख लीजिए छात्रों से स्कूल का टॉयलेट किस कदर साफ करवाया जा रहा है। उसके बाद अधिकारी क्या कह रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अधिकारियों को ये निर्देशित भी किया जाता है कि आप समय समय में स्कूलों का निरीक्षण करिए, तभी आपको स्थिति बखूबी समझ में आ पाएगी। लेकिन शायद ये निरीक्षण भी नहीं हो रहा था, तभी इस कदर हौसले शिक्षकों के वहाँ पर बुलंद थे कि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं उनको पहले क्या करना पड़ेगा तभी वो पढ़ाई कर सकेंगे कि पहले टॉयलेट साफ करना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे पेरेंट्स को ये बात पता हो कि पेरेंट्स बच्चों को किस लिए स्कूल भेजते हैं, कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा। तो चले खबरों में बढ़ते आगे, मुंगेली की बात कर लेते हैं जहां पर बाल बाल बचे। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह बिलासपुर से रायपुर जाते वक्त दुर्घटना हो गया, मवेशी को बचाते वक्त कार अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और किसी को कोई चोट नहीं आई है। ट्रक चालक को सरगाव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरगाव अंतर्गत पथरिया मोड़ में ये दुर्घटना हुआ है। गाय के सामने आ जाने के कारण गाड़ी में ब्रेक लगा और पीछे से तेज़ रफ्तार से आ रहे ट्रक ने ब्रेक ना लगा पाने के कारण पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें किसी को कुछ गंभीर चोट नहीं लगी है जो जाहिर तौर पर दिख रही हो, और अग्रिम इलाज के लिए या डॉक्टर को दिखाने के लिए प्रबल प्रताप जी शायद रायपुर निकल गए हैं और ट्रक को हमने थाने में सुरक्षा खड़े कर दिया है। अभी किसी की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में आज से एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण अभियान का आगाज हो चुका है और पूरे प्रदेश में 3,35,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। कुछ देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभियान का आगाज करेंगे, जहां कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहेंगे। अटल नगर नवा रायपुर स्थित जैव विविधता पार्क में यह आयोजन होगा और इस अभियान के तहत फूल और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। तो देखिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी पौधारोपण किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 23वीं बटालियन के में पौधारोपण किया और इस दौरान DGP सुधीर सक्सेना सहित पुलिस अधिकारी भी मौजूद नजर आए। प्रधानमंत्री ने जो आह्वान मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम, उस आह्वान को लेकर के पूरे प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण है। लगातार अलग अलग प्रकार से अलग अलग विभाग रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, पौधे लगा करके वृक्षारोपण करके, खास करके कई बड़े नगरों ने बड़े बड़े लक्ष्य भी लिए हैं। आज पुलिस परिवार के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम का बड़ा आयोजन किया है, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई।
नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार 18 जुलाई को नीट यूजी मामले में सुनवाई किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। अब 18 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि जहां पर मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है, कई जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं, 12 से ज्यादा जिलों के बदले जा सकते हैं कलेक्टर। सीएम की बैठक में उठा अधिकारियों का मामला, जिसके बाद यह फैसला लिया गया और बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। विधायकों की बैठक के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी अब मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मंत्रालय में भी अफसरों की जिम्मेदारी बदली जाएगी। वहीं विधायकों से 1-to-1 में समन्वय की कमी का कारण बताया गया है। वहीं एक ऐसी खबर की बात कर लेते हैं जो कि इंदौर से सामने आई है, जो ये स्थिति साफ कर दे रही है कि किस तरीके से कानून व्यवस्थाओं का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। जूनी थाने से हैरान कर देने वाला ये वीडियो देख लीजिए, जहां पर थाना प्रभारी के केबिन में युवक ने सिगरेट पीते हुए अपना वीडियो बनाया। इस कदर कानून व्यवस्था का धज्जी किस तरीके से लोग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। और ये जो युवक है वो रौब जमा रहा है, साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर रौब दिखा रहा है और पोस्ट कर रहा है। आरोपी ने सिगरेट पीते हुए थाना प्रभारी को बताया नदारत, ये कह दिया इस आरोपी ने कि थाना प्रभारी कुछ कर ही नहीं रहा है, वो अपने काम से ही नदारत है, और खुद को लाइव में डीएसपी साहब का दौरा बताया। और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, वो खबर थी कि पुलिस ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पर पोल शेयर किया था, जिसमें पुलिस ने पूछा था लोगों से कि क्या आप हमारी कार्य प्रणाली से खुश हैं, जिसमें ज्यादा लोगों का 78% लोगों ने ऐसा कहा था नहीं, और 22% लोग ही ऐसे थे जो कह रहे थे कि हाँ। मध्य प्रदेश पुलिस का क्या हाल है, क्या व्यवस्था है, ये युवक किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है, कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि थानों में ये हाल है तो शहर में क्या हाल होंगे। आज सुबह 11 बजे के लगभग एक युवक जो है थाने के अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद सिगरेट पीते हुए आया था और थाना प्रभारी के कक्ष में आकर उसने वीडियो बनाया जो कि लाइव रहा, और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया। जब उसको पकड़ के लाया गया तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया, उसके घर वालों से भी इसकी पुष्टि हुई है, उसके माँ के द्वारा जो है दस्तावेज भी इसके पेश किए गए हैं और जो है उसको समझाइश देकर जो है उसको छोड़ा गया। तो देखिए, कबीरधाम जिले के वनांचल ग्राम सोनवाही में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। बीते 3 दिनों के भीतर 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं पहले भी फूड पॉइजनिंग से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। सूचना के बाद से गांव में स्वास्थ्य अमला पहुंचा है और बोड़ला ब्लॉक पर पूरा मामला बताया जा रहा है। बीते 1 माह के भीतर डायरिया से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो वही खबर बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां पर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी किस कदर समझौते का शिकार बन चुकी है, आप समझ जाइए। इसकी एक बानगी वाड्रफ नगर ब्लॉक के ग्राम लोधी में देखने को मिली। सरकारी राशन दुकान में सड़ा हुआ चावल लगभग 10 परिवार को दे भी दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि इस कदर की गड़बड़ी किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। तो वही सूरजपुर जिले के नवीन आपराधिक कानून के संबंध में एसपी ऑफिस में सभा कक्ष में सेमिनार आयोजित की गई, जहां पर मीडिया के सामने कानूनों में बदहाल और बदलाव संबंधित जानकारी दी गई और जिसमें कई सख्त कानून में ऑडियो वीडियोग्राफी के माध्यम से कार्रवाई हो पारदर्शी बनाने और छोटे मामलों में सामुदायिक सेवा संबंधित सजा प्रावधान की जानकारी दी गई। और नया कानून में किसी भी जगह घटित घटना के पास से थानों में चौकियों के जरिए अपराध दर्ज कराने की सुविधा के संबंध में जानकारी दी गई। 3 नए कानून जो अधिसूचित हुए हैं, आपराधिक कानून जो भारतीय न्याय संहिता
और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये तीनों मुख्य आपराधिक कानून है। जन जन से संबंधित होने के कारण से प्रत्येक जन को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए मीडिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार रखा था, जिसके माध्यम से इन कानूनों के प्रमुख जो बातों के बारे में अवगत कराया गया है। अंबिकापुर में सड़क निर्माण में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। नगर निगम मुख्यालय में 15 दिन पहले 9.50 करोड़ यानी कि 9.5 करोड़ रुपए की लागत से 74 सड़कों का डामरीकरण किया गया, लेकिन सड़क डामरीकरण करने के साथ ही उखड़ना भी शुरू हो गया। आम लोगों की शिकायतों के बाद विस्तार न्यूज की टीम ने भी मौके में पहुंचकर घटिया निर्माण का जायजा लिया, जिसमें सड़क की गुणवत्ता इतनी कम है कि हाथ लगाते ही सड़क उखड़ रही है। खराब सड़कों के कारण लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर में आपके पैसे का, आपके टैक्स के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, हम इस सड़क में दिखाएंगे। सड़क का निर्माण 9.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अंबिकापुर शहर की ये सड़कें हैं जिसका मरम्मत अभी फिलहाल 15 से 20 दिन के पहले हुआ है, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा जो छर्री है वो निकलने लगा है। सोच सकते हैं जब हाथ से इस तरीके से ये सड़क उखड़ रहा है तो अगर जब गाड़ियाँ चलेंगी तो किस तरीके से सड़क उखड़ेगा। लेकिन जिम्मेदार हैं कि वो मॉनिटरिंग के नाम पर सिर्फ कागजों पे काम करते हैं, मॉनिटरिंग सिर्फ कागजों पे होती है, यही वजह है कि ये सड़कें इस तरीके से रिहायशी इलाकों में बनाई गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में कार्रवाई करेंगे, जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं इस मामले में कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होने की अगर बात क्यों आ रही है, अगर उन्होंने समय पर निगरानी किया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनी होती और सड़क का काम सही हुआ होता। हमारा मांग है, विस्तार न्यूज मांग करता है कि ऐसे घोटालों की जाँच होनी चाहिए ताकि आम आदमी के जो टैक्स का पैसा है ना उसका सही उपयोग हो। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी है, कोई अच्छा है, एक महीना भी नहीं चल पा रहा है, उखड़ जा रहा है पूरा रोड। रोड एकदम गंदा बना है, पूरा उखड़ रहा है, पानी आएगा तो और मतलब खत्म हो जाएगा। नगर निगम के माध्यम से 9.5 करोड़ रुपए का डामरीकरण का कार्य 74 सड़कों का कराया गया है। उसमें से कुछ सड़कों की शिकायत भी प्राप्त हुई कि गुणवत्ता का अभाव पूरी तरीके से है, जो सड़कें बनी हुई हैं वो उखड़ रहे हैं। तो मेरे द्वारा ये निर्देश भी दिया गया है कि वहाँ पे जो भुगतान सबसे पहले ठेकेदार का रोका जाए, सभी सड़कों जो इनके द्वारा जो बनाई गई है रेंडम, इसकी जाँच हो कम से कम 2 एजेंसी से और फिर भुगतान की कार्यवाही हो। जब सड़क का निर्माण फिर से करा दें वो, उसके बाद ही भुगतान की कार्यवाही हो। कांकेर में 24 नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और बिना गुंडा में सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस दौरान मुठभेड़ में एक महिला माओवादी मारी गई थी और नक्सलियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में मिलिट्री कंपनी नंबर 5 के कंपनी कमांडर राजू का नाम भी शामिल किया गया। इस मुठभेड़ में 14 महिला नक्सली शामिल थी। सभी नक्सलियों के खिलाफ छोटे बेठिया थाना में मामला भी दर्ज किया गया है। तो वही बात कोरिया की कर लेते हैं, जहां पर पटवारियों की हड़ताल देखने को मिली है। प्रदेश राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर कोरिया जिले के राजस्व पटवारी संघ के अध्यक्ष भरत यादव के नेतृत्व में यहां हड़ताल शुरू हो गई है। पटवारी अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसमें संबंधित कार्यों पर भारी असर पड़ रहा है। कोरिया जिले के पटवारी के अनुसार भुइयां के अंतर्गत पड़ने वाली सामग्री का उपलब्ध ना होने के चलते काम में अनेकों परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। प्रदेश व्यापी राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज ये दूसरा दिन है और कोरिया जिले के लगभग सभी पटवारी इस हड़ताल में शामिल हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा भुइयां कार्यक्रम है, जो ऑनलाइन अभिलेख का कार्यक्रम होता है, भुइयां के माध्यम से जो पटवारी दुरुस्ती करता है रिकॉर्ड, उन सब में कई विसंगतियां हैं जिनको दूर करने के लिए हम लोगों ने समय समय पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित कराया। कई बार ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से लिखा गया, जब कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हम लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ता। आज हड़ताल का दूसरा दिवस है, इसमें हमारा मेन जो है भुइयां में लेके संसाधन को लेकर है, जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर पटवारियों के लिए आज तक उपलब्ध नहीं है। 2015 से पूरा भुइयां को ऑनलाइन कर दिया गया है, इसके बाद भी हमारे पटवारी लोग को कुछ भी होता है तो उन्हीं के ऊपर दोषारोपण किया जाता है। खबर कबीर धाम से है, जहां पर पंडरिया विकास खंड के गौरपा शनिदेव मंदिर में
विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गौरकापा शनिदेव मंदिर के पुजारी स्वामी विवेकानंद गिरी महाराज पर शिकायत दर्ज कराने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि शिकायत में मंदिर में ट्रस्ट की जमीन को झूठा व रजिस्ट्रेशन नहीं होना बताया गया। गलत हो रहा है ये जो शिकायत कर रहे हैं वो, और यहाँ जितना भी हो रहे सब जान रहे हैं, पूरा क्षेत्रवासी जानते हैं। और आज भी जो यहाँ है ये हमारे गुरुदेव महाराज जी स्वामी जी के सब देख रेख में और संपन्न हो रहा है। और जो खेती था यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, ये रोड था, ये जितना मंदिर था यहाँ कुछ नहीं था, सब महाराज जी बनवाए हुए हैं। और जो लोग शिकायत करते हैं मेरे को तो ये लगता है उनके व्यक्तिगत कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है, वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए बार बार इस मंदिर के ऊपर और यहाँ के संतों के ऊपर अपना झूठा इलीगल आरोप लगाते हैं। मेरे साथ वो निरादर असत्य हैं। तो जितने भी शिकायत है हमने जांच किया, जितना मंदिर की जमीन संबंधी आरोप लगाया गया, छानबीन किए संतों द्वारा, तो कहीं भी इलीगल नहीं पाया गया, वो लीगल ही है। इसलिए जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि आरोप लगाने वाले तो SDM कलेक्टर के पास दौड़ चुके हैं, लेकिन शासन द्वारा जांच किया गया है तो सही पाया गया है। इसलिए संत समिति भी चाहता है कि जो आरोप लगाने वाला है वो सिद्ध करे ना कि महाराज ने गलत कहाँ किया है। सिद्ध कर पाएंगे नहीं, क्योंकि महाराज गलत है नहीं। वही खबर जगदलपुर से सामने आ रही है, जहां शहर के मध्य स्थित अनुपमा चौक इलाके में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है। हथियारों ने घर के अंदर घुसकर मां बेटे की हत्या कर दी है। दरअसल शहर के अनुपमा चौक की मुख्य सड़क पर ही निलेश किराना स्टोर स्थित है। दुकान के पीछे ही गुप्ता परिवार रहता था। परिवार में मां और उनके दो बेटे थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक देर रात अज्ञात लोग पीछे के दरवाजे से घर में घुसे और पहले मां और दोनों बेटों के हाथ पैर बांधे और फिर धारदार हथियार से शरीर पर कई बार वार कर दिया। हमले में मां और बड़े बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन छोटा बेटा किसी तरीके से बच गया। बुरी तरह से घायल है छोटा बेटा, जो कि अस्पताल में भर्ती है, जहां उसके बयान के बाद अब पुलिस जांच आगे बढ़ाएगी। तो देखिए, बात करते हैं अब मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला बड़वानी की, जहां पर आज पिछड़ेपन से उभर नहीं पा रहे हैं लोग। यहां आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पक्की सड़क, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पक्के मकान यहां सिर्फ नेताओं के वादे हैं और लोगों के लिए सपने बनकर रह गए हैं। सरकारी योजनाओं में ही दिखाई दे रहे हैं तमाम चीजें। जमीन पर आज भी लोग सभी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं, तस्वीरें बता रही हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा के गांव धार कुंडिया में एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई, आप देख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां आज भी शिक्षा का हाल बुरा है। यहां स्कूल तो दूर, आंगनबाड़ी तक नहीं है। जब विस्तार न्यूज संवाददाता जफर अशरफी बड़वानी के धार कुंडिया गांव पहुंचे तो तस्वीर हैरान कर देने वाली थी। गांव में कुल 60 से 70 परिवार निवास करते हैं, 60 से ज्यादा बच्चे हैं। संवाददाता जैसे गांव पहुंचे तो लोग स्कूल लाने के लिए भीड़ लग गई और उनके मन में एक ही सवाल था, शायद हमारी आवाज अगर टीवी पर दिखाई दे तो सरकार सुनकर हमारे गांव में ही स्कूल का निर्माण करा दे। इसी अपेक्षा के साथ माँ बाप अपने बच्चों के साथ इकट्ठा हो गए, एक ही मांग कर रहे थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, स्कूल में अच्छी व्यवस्था मिल जाए। ग्राउंड जीरो पर विस्तार न्यूज पहुंचा, उन लोगों की आवाज भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों ने अपनी बात रखी और विस्तार न्यूज भी यही अपील करता है कि सरकार तक ये खबर पहुंचे और इस जगह पर जल्द से जल्द स्कूल बच्चों के लिए बनवाया जा सके। इसमें जन शिक्षकों और BRC कार्यालय से भी हमारे BSE गए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया है, सर्वे भी करवाने की व्यवस्था हमने की है और अतिथि शिक्षक के माध्यम से उन फलियों में हम शिक्षक को पहुंचा देंगे, ताकि अभी इमीडिएट उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं थी, ना तो स्कूल है ना तो आंगनबाड़ी, कुछ नहीं है यहाँ पे, और है वो भी दूर है, बहुत दूर है, हम इतनी दूर जा नहीं सकते यहाँ के बच्चे, तो इसलिए हम बाहर ही पढ़े। यहाँ रहते तो हम तो अनपढ़ ही रह जाते। आज यहाँ ऐसे है बच्चे की अनपढ़ ही है, बाहर जा नहीं पा रहे है। जिनके माँ बाप थोड़े समझदार होते हैं वो बाहर हॉस्टल में रख देते हैं, पर जो ना समझ है वो तो फिर यही रहेंगे बच्चे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।